रहमान रहीम डॉन चिल्ड्रन एकेडमी स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच इंग्लिश टू क्लास थर्ड नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर थर्टी नाइन लेसन नंबर फोर्टीन वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया रहीम अ शेफर्ड बॉय रहीम एक चरवाहे का बेटा था ही वेंट आउट विद द शीप एवरी डे टू दंगल वो रोज़ाना जाया करता भेड़ें बकरियाँ लेकर जंगल में He was always making fun of others, वो अक्सर दूसरों से मजाक किया करता One day Rahim's sheep were grazing, एक दिन रहीम की भीड़ें चर रही थी. Some villagers were working इन द नियर बाई फील्डस कुछ गाँव वाले काम कर रहे थे करीबी खेतों में रहीम थाट ऑफ मेकिंग फ़न ऑफ देम रहीम ने उनसे मजाक करने का सोचा ही शाउटेड वो चिल्लाया वुल्फ वुल्फ भेड़िया भेड़िया प्लीज़ केम जल्दी आए बरए मेहरबानी एंड हेल्प और मदद करें द मैन हर्ट द क्राई लोगों ने उसकी रोने की चीखने की आवाज़ सुनी दे केम रनिंग विद स्टिक्स वो दौड़ दौड़ते हुए आए अपने साथ लाठियाँ लकड़ियाँ लेकर दे वॉन्टिड टू ड्राइव द व्फ अवे वो भगा देना चाहते थे भेड़िए को दूर द्यास रहीम उन्होंने रहीम से पूछा वेयर इज़ द व्फ कहाँ है भेड़िया रहीम लाफ्ट एट देम रहीम उन पर हंसा देयर इज़ नो वुल्फ कोई भेड़िया नहीं है ही सैड उसने कहा आई जस्ट वॉन्ट टू हैव सम फन मैं सिर्फ कुछ मजाक करना चाहता था द मैन वर वेरी एंग्री आदमी बड़े नाराज़ हुए टू तो रहीम रहीम पर दे वेंट बैक टू देयर वर्क वो वापस अपने काम पर चले गए वंस अगेन रहीम प्लेट द सेम जोक एक मरतबा फिर रहीम ने वो ही मजाक किया दिस टाइम द विलेजर सैड इस मरतबा गाँव वालों ने उससे कहा रिमेंबर याद रखना यू आर अ लायर तुम एक झूठे हो वी शैल नेवर कम अगेन अब हम दोबारा कभी नहीं आएंगे वन डे द वुल फ्रियली केम एक दिन भेड़िया सचमुच आ गया हकीकत में आ गया रहीम क्राइड अबाउट रहीम चीखा चिल्लाया रोया वुल वुल भेड़िया भेड़िया प्लीज़ कम जल्दी आओ बर मेहरबानी आओ हेल्प मेरी मदद करो आई एम नॉट टैलिंग अलाय मैं अब झूठ नहीं बोल रहा हूँ द विलेजर्स Did not come to drive the wolf away. गांव गाँव के लोग नहीं आए भेड़िए को भगाने के लिए द killed a शीप भेड़िए ने एक भेड़ मार डाली एंड वेंट अवे और फिर चला गया रहीम now रियलाइज हिज मिस्टेक रहीम को अब अपनी गलती का एहसास हुआ ही decided उसने फैसला किया नेवर टू टेल अ लाई एंड मेक फन ऑफ अदर्स कि वो कभी अब झूठ नहीं बोलेगा दूसरों से कभी मजाक नहीं करेगा इस्टूडेंट्स आप सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद करिए स्पेलिंग याद कीजिए आपकी मिस ने आपको राइटिंग दी है आपको ये राइटिंग भी करना है और इस्पेलिंग भी याद करना है फॉरेस्ट वल्फ हंगरी लाउडली आपकी मिस ने आपको अपोजिट बनाने के लिए दिया दिए हैं ब्रेव बहादुर कोवर्ड बुजदिल स्लो सुस्त फास्ट इसका आपको अपोजिट बनाना है तेज डब्ल्यू ई -E ए के वीक कमज़ोर एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉग डी आर वाई ड्राई खुशकू कहते हैं डब्ल्यू ई टी वैट गीला वाइस अक्लमंद फुलिश बेवकूफ आपकी इंग्लिश टीचर ने आपको बुल बुल का क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी नोट करा दिया है अब आपको उसको कई मरतबा लिखना है याद करना है और प्रैक्टिस करना है वाई वर द विलेजर्स एंड विलेजर्स एंग्री गाँव वाले क्यों नाराज़ हुए आंसर इसका है रहीम जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम फन विद द विलेजर्स रहीम मजाक सिर्फ चाहता था करना गाँव वालों से इसलिए गांव वाले नाराज़ हुए क्वेश्चन अगला है व्हाट डिड रहीम रियलाइज एट लास्ट आखिरकार रहीम को किस बात का एहसास हुआ रहीम रियलाइज हिज़ मिस्टेक एट लास्ट रहीम को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन के आंसर याद कीजिए फिर लिखिए फिर बार बार प्रैक्टिस कीजिए आपकी स्पीड स्लो ना हो जाए बार बार अपने घर में लिखते भी रहिए लर्निंग वर्क आपको दिया गया है वर्क की डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड वर्क की डेफिनेशन याद करके फिर आप लिखिए आपको याद होना चाहिए इसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट भी आपको क्लास में सब पढ़ाए गए थे आपके पास जवाब उनके और फिलिंदी ब्लैंक्स वगैरह मौजूद हैं ऐसे लेटर एप्लीकेशन और उर्दू में खुलासे भी हैं आपको याद लिखवाए गए हैं वो सब याद करते रहिए घर में और इम्तहान की तैयारी करते रहिए क्योंकि इम्तहान में आप पास जब ही होंगे जब आप उनकी तैयारी अभी से कर रहे होंगे अभी अपने वक्त को बिल्कुल ज़ाय ना कीजिए रोज़ाना बाकायदगी से बैठ कर याद करें पढ़ें सारा पिछला जो आपको मिस ने आपकी पढ़ा दिया है वो सब रिवाइज करते रहिए दोहराते रहिए तभी आपको याद रहेगा वरना ये लॉकडाउन में आप भूल जाएंगे सब